गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। और मैंने एक निवेदन किया था आप लोगों से कि इस बार होली पर हरे भरे वृक्ष नहीं काटने हैं, तो आशा है कि उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखा होगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, तो दोस्तों अब होली बीत चुकी है और फिर से हम इंटरव्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं। अलग अलग प्रोफाइल के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग एरिया के लिए बहुत सारे इंटरव्यू हम फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, आप लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे। हम एड्रेस, फ़ोन नंबर भी आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक भेजते रहते हैं, आप इंटरव्यू भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स की शिकायत रहती है हमारे कि सर हमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, सर हमने बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर लिया, सर हम इंटरव्यू भी दे के आ गए पर हमें अभी तक कंपनी से कोई कॉल नहीं आया, या हमारी जॉब नहीं लगी, या जॉब लगी सर तो हमें सैलरी पसंद नहीं आ रही है, या सर हमें काम पसंद नहीं आ रहा है, या टाइमिंग पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू उसके अंदर निकल जाता है। तो देखिए, अगर इशू की बात की जाए, प्रॉब्लम्स की बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, तो अगर अपन ये छोटे छोटे इशूज़ में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे, ऐसे कायदे से देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी ही एक समस्या है। जब तक जीवन है तब तक समस्याओं का अंत नहीं होना है, प्रॉब्लम बनी ही रहेगी आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती, हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये मान करके कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ, या कोई हमारे लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, या हमें टाइमिंग हमारे हिसाब का मिलेगा, या हमारे हिसाब की सैलरी मिलेगी, देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नौकरी में ऐसा है कि देखिए, एकदम परफेक्ट आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता कि एकदम सब सारी चीज़ें, और अगर मिल भी गया तो थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाना है तो आपको पहले उसकी थ्योरी समझना होगा। यानी अगर आप गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेयरिंग किधर होता है, ब्रेक किधर होता है, गियर किधर होता है, ब्रेक कैसे लगाया जाता है, स्टेयरिंग को कैसे घुमाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी बहुत ज़रूरी है तब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने जाएँ। अब मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके पानी का बन जाता है, पानी का निर्माण होता है, आपको यही नहीं पता ऑक्सीजन है क्या चीज़, हाइड्रोजन है क्या चीज़, और आप चल दिए पानी बनाने, तो कोई मतलब नहीं होता है। गलत दिशा में किया गया प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भोपाल से आगरा गए और आगरा उत्तर दिशा में और आप जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, तो चाहे आप 1000 किलोमीटर चले जाएं, आपको आगरा नहीं मिलना है, आप आगरा पहुंच ही नहीं पाएंगे। और फिर आप लोग वही शिकायत करते हैं कि सर आपने तो बोला था कि 250 किलोमीटर बाद आगरा, हम तो 1000 किलोमीटर आ गए, आगरा मिला ही नहीं अभी तक। पर भैया ये भी ध्यान रखो आप कि हमने ये नहीं बोला था कि आप दक्षिण में चले जाओ, आप जाना है उत्तर में आपको, और उत्तर में अगर गए होते तो आपको 250 किलोमीटर बाद आगरा मिल जाता। सही दिशा में प्रयास होना चाहिए हमारा, सही दिशा में। अगर हमारी दिशा गलत होगी तो उस मेहनत का भी कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इसका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। आप उसके कारण तक जाना ही नहीं चाह रहे हैं, कारण ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कभी आपने, बस वैकेंसी देखी, इंटरव्यू देने चले गए,
इससे पहले भी तो आपने नौकरी की होगी, इससे पहले भी तो इंटरव्यू दिए होंगे, उस पर गौर कीजिए, उस पर विचार कीजिए। परेशान होने से मतलब नहीं, भटकने से मतलब नहीं, 50 जगह इंटरव्यू देने से मतलब नहीं है। एक जगह इंटरव्यू आपने दिया तो उसके सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉल नहीं आया या कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका पहले कारण समझो आपकी, क्यों कॉल नहीं आया आपको, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके कारण को आपने नहीं देखा, दूसरी जगह फिर इंटरव्यू देने चले गए, फिर वहां से नहीं आया, फिर तीसरी जगह चले गए। ऐसे ऐसे आप भटकते रहते हो, कहीं एक आध जगह मिल गई तो 2-4 महीने किया, फिर छोड़ी, फिर किया, फिर बस यही करते करते सारी जिंदगी। मैक्सिमम लोग ये जो एक औसत होता है उसमें ये समझ लीजिए 90% लोग यही काम करते हैं, जिंदगी भर कोई ना कोई नौकरी की तलाश में ही लगे रह जाते हैं, और कब सारी उम्र निकल गई उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आपको पहले उसका कारण समझना है। देखिए, अगर आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले कारण देखता है कि इनकी बीमारी का कारण क्या है, और उस कारण के कारण इनको कौन सी बीमारी हुई है, कारण से कौन सी बीमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है। अब मान लो डॉक्टर यही नहीं पता कर पाए कि आपको किस कारण से बीमारी हुई है या कौन सी बीमारी हुई है, तो आपका इलाज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेम यही फॉर्मूला हमारे जॉब के लिए भी लागू होता है। तो आप अगर एक जगह इंटरव्यू देने गए हैं तो उसका पहले कारण समझिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या आप उसका जॉब के लिए योग्य क्यों नहीं थे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ, समझाता हूँ। पहले एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिसाइड कीजिए, एक एरिया डिसाइड कीजिए, एक क्षेत्र डिसाइड कीजिए। सारे सेगमेंट की भर्तियाँ हम चालू कर रहे हैं, सारे सेगमेंट के लिए इंटरव्यू चालू कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे फर्नीचर इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोग हों, सारी इंडस्ट्री की सारे प्रोफाइल की भर्ती फिर से चालू कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट रिक्रूट होने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, उस सेगमेंट के बारे में, उस प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए, ताकि जब हम आपको किसी कंपनी के सामने ले जा करके खड़ा करें, किसी एचआर के सामने ले जा करके खड़ा करें, तो आप उससे संबंधित 4 क्वेश्चन का जवाब दे सकें। अब सीधा सीधा ले जा करके खड़ा कर दिया, लड़के आते बोले सर सुपरवाइजर में नौकरी लगा दीजिए। अब हमने कहा भैया बताओ सुपरवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोले सर इससे क्या मतलब है, बोले आप तो काम बताओ क्या क्या करना है, किसकी अटेंडेंस लगानी, मतलब एकदम हवा में रहते हैं लोग। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको अगर कोई काम सही तरीके से करना है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ये आज आप जिन कंपनियों का 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर देखते हैं ना, आपको लगता है कि 1000 करोड़ उसके पास इकट्ठा आ जाता है, हम ही ले जा करके या कोई एक आदमी ले जा करके पहुंचा देता है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, डीएस ग्रुप का एक चॉकलेट आता है, अल्पिन लेबल आता है, और भी बहुत सारे चॉकलेट आते हैं, या कोको कोला का उदाहरण लीजिए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के पैक में आता है, 90 रुपए के पैक में 2 लीटर का आता है। कोई भी पार्ले जी बिस्किट का उदाहरण लीजिए, 5 रुपए का पैक आता है। 5-5 रुपए जब उसके पास पूरे देश से कलेक्ट होकर के जाते हैं, तब वो जाकर के 1000 करोड़ की कंपनी बनती है। ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ का बिस्किट सिर्फ आप ही भर खरीद लेते हैं, या हम भर खरीद लेते हैं, या कोई एक ही कस्टमर, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ है, एक चैन सिस्टम बना हुआ है, वहां से जो थोक विक्रेता होते हैं वो लाते हैं, फिर छोटे दुकानदार को देते हैं, फिर और छोटे दुकानदार उनसे खरीदते हैं, फिर हम आप खरीदते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है चलता है, और ऐसे उसके पास फंडिंग होती है पूरे देश से। लेकिन ये फंडिंग कब होगी, जरूरत है कि वो प्रोडक्ट उसका जब पूरे देश में बिकता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिकता है, तब जा करके उसके पास 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं। और वही आपको लगता है कि 1000 करोड़ रुपए की टर्नओवर की कंपनी है, तो एक ही आदमी ने दे दिया 1000 करोड़, ऐसा नहीं होता है। आज भी
वो कंपनियां ऐसे ही छोटे छोटे पैसे से ही हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर चलाती हैं। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। हमें आपको कोई 45 रुपए की पेप्सी बेचने के लिए बोल दे तो शर्म आ जाती है, बोले सर मैं ये वाली जॉब नहीं करना है। अरे बेसिक तो यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है आगे बढ़ने का, बड़े होने का। तो कुल मिलाकर बस लास्ट में आपसे ये बोलूंगा कि आप अपना एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिसाइड कर लीजिए, एक एरिया डिसाइड कर लीजिए, एक क्षेत्र डिसाइड कर लीजिए और उस सेगमेंट में हमेशा बने रहिए, भटकिए मत। अभी रियल एस्टेट की वैकेंसी आई, सर इसी में करा दीजिए। थोड़े देर बाद मेडिकल की आई, सर इसी में करा दीजिए। 1 घंटे बाद एजुकेशन की आई, सर इसी में करा दीजिए। इसीलिए तो यार कहीं नहीं हो पाता है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र डिसाइड कर लीजिए, एक एरिया डिसाइड करिए, एक सेगमेंट, उसी के बारे में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नॉलेज लीजिए, अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए, कर लीजिए। अच्छा मान लीजिए एक अच्छा जो डॉक्टर है, थोड़े दिन मरीज का ट्रीटमेंट करे, फिर वोडाफोन की सिम बेचने लगे, फिर घर बेचने का काम करने लगे, फिर फर्नीचर की दुकान में काम कर ले, अच्छा डॉक्टर माना जाएगा क्या? आप इलाज करवाने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बने रहना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं स्टाफ सोल्यूशन चला रहा हूँ, अब 2 दिन अगर मेरे पास कैंडिडेट्स के फोन नहीं आए, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर 2 दिन हमने रिक्रूटमेंट नहीं किया तो मैं कल जाके वोडाफोन की सिम बेचने लगूं तो कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो परसों जो आदमी आने वाला था वो भी नहीं आएगा। उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, सबके आते हैं, हमारे भी आते हैं, आपके जिंदगी में भी आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हैरान परेशान हो करके कुछ भी करने लग जाएं, ऐसा नहीं। एक क्षेत्र में बने रहिए, एक सेगमेंट में बने रहिए। सारी प्रोफाइल की भर्तियां चालू कर रहे हैं, सभी क्षेत्र के लिए, सभी सेगमेंट के लिए। जो व्यूवर्स हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन जरूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब चलिए मैं कल से फिर से यूट्यूब पर 1 बाय 1 सारे सेगमेंट की वैकेंसी डालना चालू कर दूंगा और हमारी कोशिश होगी कि आपके घर के आसपास ही हम आपके लिए अच्छी जॉब अवेलेबल करवा सकें। कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे बता दीजिएगा कि आपको किस सेगमेंट की जॉब चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कितने सैलरी तक की चाहिए। कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छी वैकेंसी निकाल करके दे सकूं। जय हिंद।